देखो क्वेश्चन है एडवांस 1985 का। क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ लॉग अंडर रूट 4 - x² / 1 - x देन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। देखो फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट 4 - x² / 1 - x। ठीक है, पहले रूट डिफाइन होना चाहिए। रूट के भाई क्या है, 4 - x² > 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x+2 × x - 2 < 0। यहां से कर लो -2 ये + 2 ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन आया, ये वाला रीजन आया। ठीक है ओके। अब उसके बाद डेनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए, तो 1 - x > 0, दिस इंप्लाइज x > 1। ठीक है इसे भी रखो, अब इसमें देखो 1 आ रहा था ना, तो ये कह दिया 1 नहीं। ठीक, अब उसके बाद लॉग है तो इसका डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट 4 - x² / 1 - x > 0। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहां से। ठीक है, कि अंडर रूट 4 - x² / 1 - x > 0। ठीक है, अब आप देखो ये रूट में टर्म है। ठीक है, तो ये रूट में टर्म है तो इसके इसके बीच में लेंगे तो आप देखो हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेंगे, इसका मतलब 1 - x जो है वो > 0, दिस इंप्लाइज x < 1। ठीक, x < 1। अब आप देखो इसे इसे और इसे कंबाइन करो, ये क्या कह रहा है, -2 से 2 के बीच में, ये क्या कह रहा है, < 1। देखो -2 2, पहला वाला क्या कहा, -2 से 2 के बीच में, दूसरा वाला क्या कहा, 1 पे नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लिया, और तीसरा क्या कह रहा है, < 1। ठीक है, ये ऐसे, तो इन तीनों को मिला के कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो एक्स डोमेन जो होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 1 के बीच में। ठीक है, और अब आप देखो एक और चीज, यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन, अगर एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये इक्वलिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक,